सभी का नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज, मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बाइक है HF Deluxe BS6 और आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं, केवल 482 किलोमीटर चली है और बाइक के अंदर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। यदि हम इस बाइक का स्विच ऑन करते हैं तो आप फ्यूल गेज को देखिए, फ्यूल गेज जो है इस बाइक की बिल्कुल भी नहीं हिल रही। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई शायद इस बाइक के अंदर जो फ्यूल है वो कम होगा, तो मैं आपका डाउट भी दूर कर देता हूं। यहां से इसका फ्यूल चेक कर लेते हैं, फ्यूल कितना है इस बाइक के अंदर। तो गाइज, आप बाइक के अंदर फ्यूल देख सकते हैं। फ्यूल यदि हम बाइक को हिलाते हैं, हिला भाई, तो देख सकते हैं फ्यूल लगभग ऊपर से आ रहा है छलक कर, ठीक है। तो बाइक के अंदर फ्यूल तो पूरा है। अब नई बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गया वो देख लेते हैं। तो इसकी कैप को हम लगा देते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको टेस्टिंग करने के लिए, बाइक चाहे BS4 है चाहे BS6 है, टेस्टिंग करने का एक ही तरीका है, स्प्लेंडर प्लस BS6 4 HF Deluxe, इन सभी बाइकों का एक ही फार्मूला है। ये जो इस बाइक में जो इसका लेफ्ट साइड पैनल है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक 10 mm का बोल्ट मिलेगा, उसको यहाँ से खोल के जो साइड पैनल है उसको खोल देना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर ये रबड़ लगी है। रबड़ के अंदर जो है, यहाँ पर यदि हम देखें तो आपको एक सॉकेट दिखाई देगी, येलो वाइट और ग्रीन, ठीक है। अब दो रंगी इसमें तार है और एक हरे रंग की है। अब आपको ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट जो है BS4 और BS6 में इस फ्यूल टैंक के अंदर जो इसके अंदर जो गेज डली है उसकी ये वायर होता है। अब इस वायर को जो है हम सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए, आपको दो पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वो जो दो पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, उन दोनों पत्तियों को आपको किसी वायर के साथ या किसी चिमटी वगैरह इस तरह का लेगा कोई टूल, उसके साथ आप उसमें मिला देना है। चलिए मिलाते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। स्विच को कर लेते हैं ऑन। अब जैसे ही हम इस वायर को मिलाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस, हमने इस वायर को जो है आपस में जोड़ दिया है और आप फ्यूल गेज देख सकते हैं, बिल्कुल फुल में चले गई है। तो इसका मतलब ये है हमारी जो फ्यूल गेज यहाँ से वो ठीक है, जो इस नई बाइक के अंदर जो फ्यूल टैंक है उसकी जो गेज है वो ख़राब हो चुकी है। तो फिलहाल बाइक वारंटी के अंदर है, हम इसको चेंज तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी बाइक की फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। जब भाई इसकी फर्स्ट सर्विस कराएगा तो ये कंप्लेंट उनको बोलेगा और जो बाइक है उसकी जो फ्यूल टैंक के अंदर जो गेज डली है वो फ्री में चेंज हो जाएगा। तो गाइस, इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।